सूरज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए जो है आपका धन्यवाद। इंडियन प्लान आपसे, आपको एक बेहतरीन अवार्ड मिला है, इसके बारे में बातचीत करेगी जी। और इंडियन प्लान जो है जानना चाहेगा, ये जो आपको अवार्ड मिला है डिफेंस ऑफिसर एकेडमी का, ये किस आपको जो मिला है, किस सीनियर में मिला है? अच्छा सर, अभी हमें रिसेंटली पेज 3 मैगज़ीन है, उसने एक सर्वे किया डिफेंस अकेडमीज़ का, और उसके सर्वे के अकॉर्डिंग हमें उसने बेस्ट फ्यूचरिस्टिक डिफेंस अकेडमी का अवार्ड दिया है। ये अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिज़ल्ट उसने दिया है, तो उसने देखा कि हमारे अकेडमी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, और जो जो कोर्सेज हमारे अकेडमी में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सभी में कुछ ना कुछ रिजल्ट हैं, तो इस बेसिस में उन्होंने हमें बेस्ट फ्यूचरिस्टिक डिफेंस अकेडमी का अवार्ड दिया। कितने समय से आप इस फील्ड के अंदर हैं, आपका एकेडमी कितने साल से चल रही है? सर हमें 4 साल हो चुके हैं अकेडमी खोले हुए, और तब से हम लोग बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में सर्विस दे रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि आपको 2016 में भी मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने एक अवार्ड दिया था। जी जी जी, और इसकी बड़ी सराहना हुई थी जी, बड़ा लोगों ने करतल ध्वनि से आपका बड़ा स्वागत किया था जी, और युवा वर्ग में बड़ी चाहत थी इस अवार्ड की, और युवा वर्ग ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया था। ऐसा तो नहीं है कि इस अवार्ड की वजह से आपने काफ़ी कुछ माइलस्टोन जो है पाया हो, और आपके काम करने की परफॉर्मेंस भी थोड़ी चेंज हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर दरअसल वैसे तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और फैमिली में मेरे फादर इंजीनियर हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग के फील्ड में आऊँगा, लेकिन जब मैं टीचिंग के फील्ड में आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम, और एक पैशन आया टीचिंग के लिए। और जब मैं इनिशियली आया टीचिंग के फील्ड में, तो हम लोगों ने अराउंड 200 स्कूल्स विज़िट करे, ताकि बच्चों के अंदर एक 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 बच्चों को मोटिवेशन दे सकें कि उनको उनका फ्यूचर एम कैसे बच्चों को अचीव करना है, या कैसे वो डिसाइड करें कम उम्र में कि उनको बनना क्या है। तो वो जो 200 स्कूल्स हमने जो हमने सेमिनार किया था उन 200 स्कूल्स में, उसी के लिए बच्चों के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए हमें बेस्ट एक यंग एजुकेशनिस्ट का अवार्ड मुझे दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला, और मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं देश के लिए भी और एजुकेशन के लिए। ये जो आपने 200 स्कूलों में बताया आपने कार्य किया, ये किस जिले के हैं बताएंगे आप? सर बेसिकली तो ये देहरादून ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर एरियाज में भी हमने सारे स्कूल विजिट किए। स्कूलों के नाम बताना चाहेंगे सर? ये सारे ही आपके हिंदी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो इसमें आपके GGIC भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज भी हैं, GIC भी हैं, तो इन सारे मतलब इसका मतलब आपने काफ़ी भाग दौड़ा, काफ़ी मेहनत करी है। जी जी जी, आपकी मेहनत रंग लाई है। जी बिल्कुल, तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी हम लोग गए, बेसिकली बच्चों से हमने पूछा, इंट्रैक्शन किया, उनका क्या एम है, क्या मोटिवेशन है, और आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को बताई कि डिफेंस का फील्ड है, जैसे हम लोग डिफेंस फील्ड से हैं, और इंजीनियरिंग का फील्ड है, बच्चों को ये भी बताया, उसके अलावा स्पेस का फील्ड है, मेडिसिन का फील्ड है, तो उन सारे बच्चों को उन फील्ड्स के बारे में जानकारी दी, और उनसे उनको ये बताया कि उनको आगे इन फील्ड्स में जाने के लिए क्या करना है। ये जो 200 स्कूलों में आपने बच्चों से बातचीत करी, कितने के लोगों से बच्चों से बातचीत की होगी? सर लगभग हमारे एक सेमिनार में आप ये लगाइए कि 200 से 300 बच्चे बैठते थे, तो हम लोग इंट्रैक्शन करते थे, और वन बाय वन कभी कभी हम लोग उनकी क्वेरीज भी हैंडल करते थे। वेरी गुड, आपकी टीम में तो काफ़ी लोग होंगे। सर काफ़ी तो नहीं थे, मैं और मेरे ब्रदर, तो हम लोग 2 लोग जाते थे, और वो रिकॉर्डिंग करते थे, और हम लोग उसको शूट भी करते थे उसी। बड़ा टफ जॉब किया आप लोगों ने, जिसका परिणाम अब आपको बहुत अच्छे रूप में मिला है। सर कह सकते हैं टफ किसी और के नज़रिए से देखें तो, क्योंकि हमें तो ये पैशन था, तो हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़ को। वेरी गुड, और ये जो अवार्ड आपको पेज 3 ने दिया है, जो रिकॉग्निशन आपको मिला है, इस बार आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे अचीवमेंट्स मिलते रहे तो अकेडमीज को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और बेसिकली हमारे रिजल्ट्स की सराहना इस अवार्ड के थ्रू हुई है, और इसमें जो पूरा रोल जाता है वो मैं कहूँगा हमारी डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी की टीम को जाता है, और बच्चों को जाता है। अगर टीम अच्छा काम नहीं करेगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और बच्चे अगर हमें रिजल्ट्स नहीं देंगे तो वो रिकग्निशन हमें नहीं मिलेगा। आप इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे, बिल्कुल। रिजल्ट ही इस फील्ड की जो है बहुत बड़ी पूंजी है जी, और आपके लंबी यात्रा का ये बहुत बड़ा जो है ये सफलता का जो है मार्ग जो है दर्शन के लिए ज़रूरी भी है। जी जी सर, आप जो भी ये काम कर रहे हैं, अभी आपने एक दूसरी ब्रांच भी खोली है जी, सुनने में आया वहाँ भी आपकी काफ़ी भीड़ है जी, जो इसी रोड पर खोली है, वहाँ भी आपने चूँकि अपने काम करने के स्टाइल से, जो आपका पढ़ाने का स्टाइल है, वो पेरेंट्स को सुनने में आया कि काफ़ी लाइक करते हैं पेरेंट्स लोग जी, और बड़ा उन्हें
अभिभूत करता है इस स्टाइल से, और बच्चों ने बच्चे खुद भी उसे एंजॉय करते हैं, बच्चे जो हैं ऐसा महसूस नहीं करते कि हम पढ़ने में परेशानी है, उसे एंजॉय करते हैं। क्या कहना है आपको इस बारे में? सर बिल्कुल सर, मेरा मानना भी यही है कि बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा क्लास में एंजॉय करे। आजकल वैसे भी बच्चे के पास टाइम तो रहा नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उसके बाद अगर ट्यूशन जाएंगे तो फिज़िकल एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं रहता बच्चों के पास। तो मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ कि बेटा आपको फिज़िकली भी गेम्स में इन्वॉल्व होना है, पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन फिज़िकल भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं बच्चों से ऐसी बातें करता हूँ तो उनके अंदर इंटरेस्ट आता है, और फिर हमारा इंट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ भी रहता है, वन टू वन इंट्रैक्शन विद टीचर्स ऑल्सो। तो ऐसे कम इंस्टीट्यूट्स ही प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स का इंट्रैक्शन टीचर्स के साथ। तो उसमें एक तो पेरेंट्स को हमारे ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में भी पता चलता है और उनको एक विश्वास भी पैदा होता है हमारे ऊपर। तो इसके वजह से थोड़ा सा हमने ग्रो किया है और अच्छे एडमिशन हमारे चल रहे हैं। क्या संडे में भी आप क्लासेस लेते हैं अगर कोई कमी महसूस करते हैं कि? सर बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है बच्चों के साथ, और ये जो मुझे इंस्पिरेशन दिए संडे को क्लास लेने की, ये बच्चों ने ही दिए। दरअसल जो मेरे पास बच्चे हैं वो खुद फोर्स करते हैं मुझे कि सर आप हमें संडे भी पढ़ाइए। तो मैंने वो बच्चों की जब एनर्जी देखी कि ये लोग संडे को भी आने के लिए तैयार हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों में झील है पढ़ने की, झील है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 6-6, 7-7 घंटे में उनको कंटिन्यूसली पढ़ाता हूँ, बीच में सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक देता हूँ। बच्चे बोर नहीं होते 6-7 घंटे? बच्चे बोर नहीं होते सर, बच्चे बोर नहीं होते। मतलब ये आपका पढ़ाने का जादू है सर, ये मानना पड़ेगा सर। ये भी हो सकता है और बच्चों का भी है मोटिवेशन, तो दोनों को ही देखते हैं। आजकल इस जमाने में नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा देर किसी चीज़ पर रोकना संभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि 6-7 घंटे पढ़ाते हैं, ये वाकई में आपका जादू है। ये ऐसा ही है जैसे ध्यानचंद की स्टिक से जो है गेंद जो है चुपकती थी, मतलब आपसे जो है बच्चे चुपकते हैं सर, कह सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा बच्चों का एंटरटेनमेंट भी करता हूँ इन बिटवीन। वेरी गुड। थोड़ा सा उनको मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी बताता हूँ, मतलब जीके भी करते हैं, मतलब आप उनके ऊपर एक थोपते नहीं है, नहीं। उन्हें एंजॉय कराते हैं, जैसे खेल रहे हैं आप उनके साथ। बिल्कुल, पढ़ नहीं रहे खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स का भी ये रहता है कि बच्चे को टाइम नहीं मिलता घर पर रिविजन का भी, तो मैं चाहता हूँ बच्चा हमारे यहाँ अकेडमी में आए तो यहीं से सीखे, यहीं वो डाउट पूछे, और कहीं ना कहीं उसका यहीं रिवीजन भी हो जाए दूसरे दिन, ताकि सारे टास्क यहीं कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को टाइम मिले थोड़ा सा फ्री स्पेयर टाइम मिले अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए और कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। हमारा अपने दर्शकों से जो निवेदन है कि आप इस चैनल को जो है इंडियन प्लान को सब्सक्राइब जो है कीजिए और घंटी के बटन को जो है दबाइए ज़रूर, ताकि आपको और अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और बढ़िया इंटरव्यूज मिलेंगे, और ख़ासतौर से आपके बच्चे और युवा वर्ग प्रोत्साहित होगा और अब लाभकारी होगा और बहुत अच्छी जो है आपको जो है टिप्स मिलेंगे।